सलाम नमस्ते जय हिंद। फिर से वेलकम है आपका नबी पठान चैनल पे। आज मैं आपको लेकर आया हूँ खिलौना मोटर्स में लेकर आया हूँ। यहाँ पर आपको बहुत सारे सेकंड में फोर व्हीलर मिल जाते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर आज आपको मिलने वाली है इको, मारुति की इको भी मिलने वाली है, सेवन सीटर का था। यहाँ पर आपको इनोवा भी मिल जाएंगी और कम बजट की भी टाटा के मांजा भी गाड़ियाँ भी मिल जाएंगी। यहाँ पर लोन की भी सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। तो चलते हैं सर से मुलाकात लेते हैं, आज का कितना स्टॉक है और कितने बजट में आज गाड़ियाँ मिलने वाली, तो वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम टू खिलौना मोटर्स, नबी पठान के चैनल पर आपको लेके आया हूँ। 15 गाड़ी का स्टॉक है और सबसे बॉटम प्राइस आपको बता रहा हूँ सर, 1,25,000 और एंड प्राइस आएगा 10,60,000। इसमें सभी 15 के 15 गाड़ियाँ जो है ना अलग अलग वराइटीज़ में मिलेंगी आपको, मारुति का, हुंडई का। तो चलते हैं आपको गाड़ियाँ बताता हूँ सर, चलते हैं। दिल थाम के बैठी है सर, कम से कम बजट में और ज़्यादा से ज़्यादा बजट में आपको गाड़ी बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं आपको लेके आया हूँ मारुति का वैगनर है, 2011 का मारुति वैगनर VXi मॉडल है, थर्ड ओनर है, इंश्योरेंस अवेलेबल है, ब्लू इन कलर है सर। पैसे बताओ सर अभी। सर इसका अमाउंट आ रहा है सिर्फ 2,40,000 रुपये, उसमें भी निगोशिएशन करके मिलेगा सर। चलते हैं नेक्स्ट गाड़ी पर सर। सर आपके लिए बहुत ही बढ़िया और कॉम्पैक्ट गाड़ी लेके आऊँ, छोटा गाड़ी है ये, मारुति का अल्टो है, 14 का मॉडल है, सिल्वर इन कलर है, ओनर फर्स्ट है, इंश्योरेंस अवेलेबल है, किलोमीटर भी कम है सर, 72,000 चली है और इसका प्राइस सिर्फ आ रहा है 2,50,000, उसमें भी निगोशिएशन हो जाएगा। लोन कितना करा के देंगे? लोन इस गाड़ी पर हो जाएगा तकरीबन 1,50,000 रुपये सर, 1,00,000 रुपये लेके आना है, गाड़ी लेके जाना है। चलते हैं नेक्स्ट गाड़ी की तरफ सर। ये मारुति का SX4 है, सेकंड ओनर है, सिल्वर इन कलर है, टॉप मॉडल है सर, VXi मॉडल है और इसका किलोमीटर भी कम है, नियर अबाउट 72,000 चली है, इंश्योरेंस भी अवेलेबल है, इसका सिर्फ आस्किंग प्राइस है 2,40,000, उसमें भी निगोशन हो जाएगा सर। सर वीडियो के माध्यम से अगर कोई आ रहा है तो सर ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट देने की कोशिश करूँगा सर मैं। चलते हैं नेक्स्ट गाड़ी से। आपके व्यूवर्स के लिए बढ़िया गाड़ी है सर, फोर्ड की फिगो है, व्हाइट इन कलर है, थर्ड ओनर है, इंश्योरेंस नहीं है सर, सिर्फ 1,00,000। न्यू लुक वाला था ना? न्यू लुक वाला गाड़ी है फोर्ड फिगो और इसका किलोमीटर जो चली है सिर्फ 1,50,000 और इसका जो आस्किंग प्राइस है 2,25,000, इसमें भी निगोशिएशन कर देंगे सर। चलते हैं नेक्स्ट गाड़ी पर। आपके व्यूवर्स के लिए लेके आया हूँ क्योंकि इसका डिमांड ज़्यादा रहता है, 2009 का स्विफ्ट डिजायर है, VXi मॉडल है और इसका इंश्योरेंस अवेलेबल है, इसका आस्किंग प्राइस है 2,50,000, उसमें भी निगोशिएशन कर देंगे सर। चलते हैं नेक्स्ट गाड़ी पर सर। सर आपके लिए लेके आया मारुति का नेक्सा है, बलिनो है, सिंगल ओनर है, इंश्योरेंस अवेलेबल है सर। कर्नाटक का अगर व्यूवर दिख रहा है तो कर्नाटक की गाड़ी लेके आया हूँ, ये 32 पासिंग है सर, इसका आस्किंग प्राइस है ओनली 6,90,000, उसमें भी निगोशन हो जाएगा और इसका किलोमीटर है ओनली एंड ओनली 65,000। लोन कितना करा के देंगे सर? इसमें गाड़ी पर लोन होता है तकरीबन 4,00,000 रुपये, बाकी कैश लेके आना पड़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट गाड़ी पर सर। आपके व्यूवर्स के लिए लेके आऊँ कम बजट की गाड़ी है सर, ये मारुति का स्विफ्ट है, कम पैसे में मजा लो, ये 2007 का है, 27 तक पासिंग किया है, इंश्योरेंस भी अवेलेबल है, सेकंड ओनर है सर और इसका आस्किंग प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 1,60,000, इसमें भी निगोशिएशन करेंगे सर। चलते हैं नेक्स्ट गाड़ी की तरफ। सर आपके व्यूवर्स के लिए टोयोटा का इनोवा है, बढ़िया गाड़ी है सर, वेल मेंटेन है, वेल शोरूम मेंटेन किया हुआ है, सेकंड ओनर में है, इंश्योरेंस भी अवेलेबल है, गोल्डन कलर में अवेलेबल है सर गाड़ी, ये जी मॉडल है, 2016 का है, इसका आस्किंग प्राइस है 10,60,000, उसमें भी निगोशिएशन हो जाएगा सर। लोन कितना करा के देंगे सर? इस गाड़ी पर लोन होगा 8,00,000 रुपये, बाकी कैश लेके आना पड़ेगा सर। कैश कितना हो, डॉक्यूमेंट क्या लाना पड़ेगा? कैश 2,60,000 लेके आना है, डॉक्यूमेंट आधार कार्ड, पैन कार्ड, इनकम प्रूफ लेके आना है सर। सर ये 2010 का डिजायर है, सेकंड ओनर है, किलोमीटर भी लगभग 1,25,000 चली हुई है सर, इंश्योरेंस भी अवेलेबल है, सिल्वर इन कलर है, इसका आस्किंग प्राइस है 2,80,000, इसमें भी निगोशिएशन करेंगे सर। चलते हैं नेक्स्ट गाड़ी पर। सर ये आपके व्यूवर्स के लिए ये मारुति का ब्रीजा है, 2018 का है, इंश्योरेंस अवेलेबल है, सिंगल ओनर है सर, 68,000 रनिंग है और इसका आस्किंग प्राइस है 8,50,000, इसमें भी निगोशन हो जाएगा और इस गाड़ी पे लोन होता है 6,00,000 रुपये, 2,50,000 रुपये कैश लेकर आना है और लोन के लिए जो डॉक्यूमेंट लाना है आधार कार्ड, पैन कार्ड और इनकम प्रूफ। चलते हैं नेक्स्ट गाड़ी पर। सर ये हुंडई की i10 है, सेकंड ओनर में है सर, 2011 का है, इंश्योरेंस भी अवेलेबल है, 72,000 जूनियन रनिंग है सर, रेड इन कलर है, आप देख रहे हैं गाड़ी का कलर भी रेड इन कलर है सर, इसका आस्किंग प्राइस है सिर्फ 2,25,000, इसमें भी निगोशन हो जाएगा और इसमें लोन भी होता है सर 1,25,000 रुपये और बाकी का जो 1,00,000 रुपये कैश लेके आना है और लोन के लिए जो आपको डॉक्यूमेंट बताया आधार कार्ड, पैन कार्ड और इनकम प्रूफ, इतना लेके आना और गाड़ी लेके जाना है सर। चलते हैं नेक्स्ट गाड़ी पर। सर आपके लिए लेके आया हूँ हुंडई का सेंट्रो है, 2005 का है, 25 तक पासिंग है सर, कम बजट की गाड़ी है सर, ये बहुत ही बढ़िया है, सिंगल ओनर अवेलेबल है गाड़ी है, इंश्योरेंस भी अवेलेबल है, इसका किलोमीटर आप जानेंगे तो तहक जाएंगे कि इसका किलोमीटर इतना कम कैसा है, सिर्फ 38,000 किलोमीटर रनिंग है सर और इसका आस्किंग प्राइस है 1,25,000, उसमें भी निगोशिएशन करेंगे सर। चलते हैं नेक्स्ट गाड़ी पर। सर आपके व्यूवर्स की काफ़ी डिमांड है, यह है मारुति का इको है, सेवन सीटर में है और सिल्वर इन कलर है और प्लस पॉइंट इसमें जो है ना सीएनजी अवेलेबल है सर, ये गाड़ी को 2015 का मॉडल है,
सिल्वर इन कलर है, किलोमीटर इसका लगभग जो है ना 87,000 चली है। इसका आस्किंग प्राइस है 4,50,000, उसमें भी निगोशन हो जाएगा। 2015 की मॉडल को लोन भी हो जाता है सर, 3,00,000 रुपये इस गाड़ी पर लोन अवेलेबल कर सकते हैं। 1,50,000 रुपये कैश लेकर आना है और डॉक्यूमेंट लेके आना सर। चलते हैं नेक्स्ट गाड़ी पर। 2009 का ओमिनी वैन है सर, ये थर्ड ओनर है, इंश्योरेंस अवेलेबल नहीं है इसका, किलोमीटर भी लगभग 1,00,000 चली है। इसका आस्किंग प्राइस है ओनली एंड ओनली 1,40,000, इसमें भी निगोशन हो जाएगा सर। चलते हैं नेक्स्ट गाड़ी पर। सर आपकी व्यूअर्स के लिए लेके आया हूँ होंडा का मोबिलो है, इसका भी काफ़ी डिमांड है, इसका भी ज़्यादा क्रेज है और ये डीजल वर्जन में आता है, 2015 का है, किलोमीटर में 1,07,000 रनिंग है सर, इंश्योरेंस इसका अवेलेबल है, सेकंड ओनर में है। इसका आस्किंग प्राइस है 5,40,000, इसमें भी निगोशन हो जाएगा। इस गाड़ी पर लोन चाहिए तो 3,00,000 रुपये लोन करा के मिलेगा सर, और बाकी का कैश लेके आना पड़ेगा। और एक आपको खास बात बताना चाहता हूँ सर, आपके व्यूअर्स को, कि हमारे यहाँ पे खिलौना मोटर्स में सभी प्लॉट एक प्लेटफॉर्म पे सभी काम होता है, जैसे फाइनेंस का काम होता है, ट्रांसफर का काम होता है और इंश्योरेंस का काम होता है। इसके वजह से क्या होता है कि व्यूअर्स जो भी आते हैं यहाँ पे सर, उनको कोई दिक्कत नहीं होती है सर, तो हम लोग लोन भी कराते हैं सर, लोन भी कराते हैं, उसके अलावा एक्सचेंज में गाड़ियां जो लेके आते हैं सर वो भी लेते हैं, परचेस करते हैं, ताकि उनको इजी परचेस में इजी हो जाए। सर अपना शॉप का नाम है खिलौना मोटर्स एंड ऑटो कंसल्टिंग, एड्रेस है शॉप नंबर 10 वाटर फ्रंट विजापुर रोड कंबर तलाव के बाजू में मेरा ऑफिस है। आपके व्यूअर्स यहाँ पे विजिट काफी कर चुके हैं सर, और अभी जो देख रहे हैं वो भी आइए और विजिट कीजिए। गाड़ियाँ अच्छी गाड़ियाँ लगे हुए हैं पूरे, और सभी वैरायटीज की गाड़ियाँ हैं सर, और आपके कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन करने की कोशिश करता हूँ सर। सर मैं आपके व्यूअर्स को विनंती करता हूँ कि वो इस वीडियो को अगर उनको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सभी के घरों तक पहुँच सके इस गाड़ियों के बारे में, और शोलापुर का भी नाम इसमें वर्चस्व हो। इसलिए मैं सभी लोगों को एक विनंती करता हूं कि इसको शेयर करें सर ज्यादा से ज्यादा, ताकि सभी को मालूम हो सके कि फोर व्हीलर का जो मार्केट होता है सोलापुर में भी अवेलेबल है। तो आप सभी को मेरा धन्यवाद कहता हूं, मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए खुदा हाफिज, जय हिंद। उम्मीद है हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो यार, शेयर नहीं करते यार, सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, सोलापुर का चैनल है, जल्दी से जल्दी शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन सब्सक्राइब करता है और कौन कौन शेयर करता है, जो शेयर और सब्सक्राइब करता है ना वो कमेंट करके मुझे बताए। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।